बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, आप लोग टूरिज्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कोर्स से रिलेटेड हमारी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राइट द वेरियस फैक्ट्स अबाउट द हिस्टोरिकल फोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो तारीखी कले हैं उसके बारे में आपने जानकारी देनी है, उसके बारे में आपने बताना है। सबसे पहले आपने ब्लॉक्स बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है, और जिस तरह से आपके क्वेश्चन में मेंशन है साइज ब्लॉक्स के, इसी तरह से आपने ब्लॉक्स बनाने हैं। इक्वल नहीं बनाने बल्कि बड़े और छोटे बनाने हैं, ठीक है। पहले तीन फोर्ट्स दरावर फोर्ट, बल्टिक फोर्ट और सकरदू फोर्ट हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो है वो हम कमिंग लेक्चर में याद करेंगे, ठीक हो गया। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आपको दरावर फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। दरावर फोर्ट की लोकेशन कहाँ है, कहाँ वाके है ये? नियर बहावलपुर, बहावलपुर के करीब वाके है। फिर उन्होंने पूछा है कि बिल्ट बाय किसने इसको बनाया, राय जग्गा भोटा ने इसको तामीर किया, उसके हुक्म से ये तामीर किया गया था। फिर उसके सैलियंट फीचर्स या उसके नुमाया पदोखाल क्या हैं, क्या चीज है जो उसको इम्पोर्टेंस दिला रही है। अब उसका इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, 40 बेस्टियंस ऑफ दिस फोर्ट आर विजिबल फ्रॉम मेनी माइल्स, कि उसमें 40 बेस्टियंस हैं, फसीले हैं या बुर्जियां हैं जो के कई मील दूर से नजर आती हैं। दरावर फोर्ट की इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है कि उसकी 40 बुर्जियां कई कई मील दूर से नजर आना शुरू हो जाती हैं, वो हाइट पे बना हुआ है फोर्ट। फिर सेकंड आपका फोर्ट है बल्टिक फोर्ट, ये हुंजा वैली में लोकेट कर रहा है, इसकी लोकेशन है हुंजा वैली, और मास्टर बाल्टी ने इसको बनवाया। ये किस लिए तामीर किया गया, इट इंश्योर्ड द सर्वाइवल ऑफ फ्यूडल ऑफ हुंजा। हुंजा के जो फ्यूडल्स थे, जागीरदार थे, उनकी बका के लिए ये तामीर किया गया, उनको महफूज रखने के लिए तामीर किया गया। उसके बाद जैसा कि आपने बुक रीडिंग में पढ़ा था, ये फोर्ट हाइट पे वाके था, फिर जब ये फैमिली डाउन द हिल शिफ्ट हो गई, मूव कर गई, तो फिर इस फोर्ट की हालत बहुत खराब होने शुरू हो गई, फिर उसको उन्होंने म्यूजियम में तब्दील कर दिया। इट्स नाउ अ म्यूजियम, अब क्या है ये, अब ये एक म्यूजियम है। थर्ड नंबर पे आपके पास फोर्ट है सकरदू फोर्ट, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में वाक़ है, उसकी लोकेशन है सकरदू। इसको बनवाया किसने है, रैंकपन डायनेस्टी ने इसको तामीर करवाया। इसका इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, सैलियंट फीचर क्या है, एन एंशियंट मॉस इज प्रेजेंट इनसाइड द फोर्ट, इस किले के अंदर एक बहुत पुरानी मस्जिद मौजूद है, कदीम मस्जिद मौजूद है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आज आपने अपना लेसन याद करना है, और इसके साथ साथ आपने इन्हीं फोर्ट्स में से जितनी आप लोगों की ब्लैंक्स हैं वो भी रिवाइज कर लेनी है। इतना ही आज का आपका काम है, इसको अच्छी तरह से याद करें, उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करें, और काम सबमिट करवा के जाएं ताकि आप लोगों को चेक होकर उसके मार्क्स मिल सकें। होपफुली कि आज का लेसन बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा।